देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा गया है 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 5 इंटू रूट 3। पहले वाले ब्रैकेट की बात कर रहे हैं और इसकी पावर 1/2 लिखा है। 25 हो जाएगा प्लस 3 28 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 इंटू रूट 3 हो गया। तो ये बन गया आपका 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए भी लिखा गया है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और इसकी पावर में पहले से भी 1/2 है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमें मिला कितना 5 माइनस रूट 3 है ना। ऐसे आगे बढ़ो, इसकी बात किया जाए 7 वाले की तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? आपने लिखा 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ 2 इंटू रूट 3, ये तो लिख सकते हैं आप है ना। और इसकी पावर क्या है 1/2। आप देखिए तो 2 प्लस रूट 3 का ये होल स्क्वायर लिखा गया है और इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें कितना मिला 2 प्लस रूट 3। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया 5 माइनस रूट 3 ये और माइनस कितना है 2 प्लस रूट 3। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा 5 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। तो ये और ये कैंसिल आउट, 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, ये रहा आपका हो गया। ध्यान रखना है, एक सेकेंड देखो ये ऊपर पावर माइनस हाफ लगा था, देख पा रहे हैं आप यहाँ ये माइनस लगा था, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको क्या करेंगे माइनस के साथ रखेंगे पावर में। जब आप इसको माइनस के साथ पावर में रखेंगे तो जो आपका ये आया था पहला वाला 5 माइनस रूट 3 आया था ये है ना, यहाँ माइनस है, इसकी पावर भी तो माइनस है, आप इसको क्या लिखेंगे 1/2 प्लस रूट 3 ये लिखेंगे आप, समझ पा रहे हैं। अब इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा आपको, दैट इज 2 माइनस रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 3 नीचे, ये एक स्टेप और बढ़ गया, अब उसका आंसर चेंज हो जाएगा रूट 3 और माइनस ये हो जाएगा ऊपर 2 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 4 और माइनस 3 ये बन जाएगा 1। अब होगा 5 माइनस रूट 3 माइनस 2 और इसको कर देगा प्लस रूट 3। ठीक है, अलग बात है कि आंसर वही आ गया लेकिन करने का मेथड यही रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये वाला मत लिखिएगा। चले आगे बढ़े, चलिए आगे। यहीं पे एक चीज़ और बताना ज़रूरी समझ रहे हैं हम कि जब भी आप देखें रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों वाला काम नहीं करना, ध्यान दीजिए इधर। जब भी आपको इस तरीके का कोई फॉन्ट लिखा हो ए प्लस बी है ना, यहाँ क्या लिखा है आप देखें तो ए प्लस 4 रूट 3 लिखा है, तो अगर इसको हम ए मान लें और इसको क्या मान लें बी मान लें और क्या करें इनका स्क्वायर करें और डिफरेंस निकालें, जब भी ये 1 मिल रहा हो क्या ऐसा हो रहा है 7 7 49 माइनस 4 4 16 3 48 तो 1 मिला हमको। जब भी 1 मिल रहा हो तो इसका जब भी इस टाइप से लिखा हो a प्लस बी है ना, इसको केवल साइन चेंज कर दो और a माइनस बी डायरेक्टली लिख दो, कोई डाउट नहीं,
समझे आप? मतलब यहाँ जो हमारा आंसर आया था, क्या आंसर आया था? आंसर आया था यहाँ पे, इधर लिखा था 5 माइनस रूट 3, है ना, इधर लिखा था आपके पास 1 बाई 2 प्लस रूट 3, यही तो लिखा था। अब आप देखिए 2 का जब आप स्क्वायर कर देंगे तो 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, है ना, इसलिए आप इसको डायरेक्टली 2 माइनस रूट 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, और ये 5 माइनस रूट 3 हो जाता, और ये 5 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 कर देता, ये कैंसिल आउट होता और 3 ऐसे ही आ जाता। रेशनलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें चेक करना है कि जो हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर है और बगल में इरेशनल नंबर लिखा है, दोनों का सम अगर दिया गया है और अलग अलग स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 के बराबर है तो केवल बीच का साइन चेंज करना है, रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि व्हाट विल बी द इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 2.3 टू द पावर 2 माइनस 0.04 और डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 1.25। हाँ जी, देखते हैं। देखो इसको लगाने के दो मेथड हैं, एक तो डायरेक्टली आप कर लीजिए, 23 का स्क्वायर 529 होता है तो 5.29 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस आप यहाँ करेंगे 0.04 एंड होल डिवाइडेड बाई है 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.25, इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5.25 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 1.25। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ पॉइंट्स हट गए और 125 कितना हो जाएगा, ये 4 होगा, नहीं 4 नहीं कटेगा, तो 25 से काट दो ऐसे ही, 5 एंड 2 1, है ना। और ये देखो अगर इसको आप हटाओगे तो ये 210 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 5, तो ये 10 और 5 2, डायरेक्टली आपका 2 आंसर आ गया। लेकिन आप इस मेथड से ना जाना चाहें तो कैसे करेंगे, मान लीजिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, नीचे 2.1 इंटू 1.25, ठीक है। आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में देख रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो जब आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 और जब आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2.1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू 1.25, ठीक। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पॉइंट हटा, ये हटा, ये ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो 125 दूना क्या होता है 250, डायरेक्टली आपका 2 आ गया। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बढ़े आगे। यहाँ बताइए क्या होगा, 1.236 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 5.23 इंटू 10 टू द पावर 14, है ना। केवल और केवल इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप फार्मूला का यूज़ करें तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। सर 10 ये क्या 15 पावर में है? हाँ पावर 15 है।
फॉर्मूला कैसे फिट करेंगे? आप देखें तो फार्मूला मिल रहा होगा। इसमें फार्मूला पुट नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अगर ये 29 होता तो फार्मूला पुट हो जाता, और हो सकता है ये इन्होंने मिस्टेक भी करी हो इसमें। चलो सॉल्व करो आप। एक मेथड तो डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा, आपने 10 दिया तो ये कितना हो जाएगा, 12.36 हो जाएगा इंटू 10^14 और माइनस 5.23 हो जाएगा इंटू 10^14। 10^14 को आप ले सकते हैं कामन, और ये हो गया 12.36 - 5.23। ठीक है, आप करेंगे तो ये हो जाएगा 10^14 इंटू ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7.13, है ना। तो डायरेक्टली 7.13 इंटू 10^14 जिस ऑप्शन में दिखेगा वही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है ना। क्या आपका आंसर? देखो 10^15 को हम ये लिख सकते हैं 10^1 इंटू 10^14। अगर बेस इक्वल है तभी तो पावर साइड होकर के 15 हुई होंगी, तो इस वाले 10 को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जो 1.236 था वही हमारा 12.36 हो गया। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से हमने 10^14 को कॉमन ले लिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। बस इतना सा था। रख करें।